हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एंड न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में फिर से टेस्ट करने वाले हैं रियलमी 6 एंड ऑनर प्ले का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन, मतलब कि दोनों का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करने वाले हैं फिर से। सो गाइस, फिर से आप समझ नहीं पा रहे होंगे फिर से क्यों, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको पता नहीं होगा कि मैंने पिछली बार इसका कंपैरिजन किया था इन दोनों फ़ोन्स का, रियलमी 6 वर्सेस ऑनर प्ले। सो रियलमी 6 मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा एंड आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। सो 1 मंथ प्लस हो गया है दोनों के वीडियो अपलोड करे हुए एंड दोनों के मतलब कि स्पीड टेस्ट कंपैरिजन में जो हमारा रिजल्ट निकला था वो था कि ऑनर प्ले को रियलमी 6 ने बीट कर दिया, जिसमें हीलियो G95 है एंड इसमें ऑनर प्ले में लगा हुआ है फ्लैगशिप प्रोसेसर जो कि है क्री 970, जो कि काफ़ी पावरफुल है एंड इसमें GPU टर्बो है। फिर भी उसके बावजूद भी ऑनर प्ले हार गया, ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ गलतियां करी थी एंड कमेंट में भी बहुत ही मतलब ऑनर प्ले जिसके पास था, ऑनर गैंग जो थे, उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था कि कमेंट करे थे खूब, मतलब कि क्या भाई ऐसे कैसे हारा, मतलब ऐसे कैसे हार सकता है ऑनर प्ले। सो फिर से मैंने सोचा कि वीडियो बना देते हैं, तो मैं बताता हूँ इसमें मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि कौन कौन सी गलतियाँ करी मैंने कंपैरिजन करते हुए, मतलब पिछली वीडियो में। एंड गाइस, इसका कंपैरिजन इसलिए भी कर रहा हूँ जैसे कि रियलमी 7 के साथ ही मैंने इसका रिसेंटली में अपलोड किए वीडियो एंड इसका कंपैरिजन किया है रियलमी 7 से, जिसमें हीलियो G95 है जब भी, और उसमें जो रियलमी 7 में था वो 8GB रैम थी उसमें एंड इंटरनल रोम थी वो है 128GB, लेकिन जो ऑनर प्ले था उसमें थी 4GB रैम एंड 64GB रोम। सो उसकी वजह से उसकी मतलब इतनी कम स्पेसिफिकेशन होने के बावजूद भी, मतलब कि रैम कम होने के बावजूद भी ऑनर प्ले ने रियलमी 7 को हरा दिया था। सो कंपेरिजन करते हैं फिर से एंड क्या क्या गलती करी थी मैं बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने गलती करी थी, जो रियलमी 7 था वो तो चार्ज था उसकी, तो सॉरी रियलमी सिक्स तो चार्ज था लेकिन रियलमी ऑनर प्ले बिल्कुल भी चार्ज नहीं था। इसमें जो परसेंटेज थी बैटरी की आप वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं, 20 से कमी थी एंड अगर आपको पता होगा कि 20% के बाद जब आता है सो उसमें बैटरी परसेंटेज सेट कर रखते हैं, तो इसमें भी सेट था कि बैटरी परसेंटेज 20 के बाद होने के बाद, मतलब कि लो बैटरी होने के बाद 20%, सो वो पावर सेविंग मोड पे लग जाता है। पावर सेविंग मोड लगने के बाद इसमें जो कोर्स थे एंड थ्रेड्स थे कोर्स के, सो वो कम यूज़ होने हो रहे थे जिसकी वजह से कम परफॉर्मेंस दे रहा था ये। एंड मुझे भी चौंकाने वाली बात लगी थी कि ऑनर प्ले को मैंने यूज़ किया था, इतनी ऑनर प्ले को हम करते रहते हैं यूज़ एंड काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर लगा हुआ है इसमें, फ्लैगशिप प्रोसेसर लगा हुआ अराउंड 21,000 के अराउंड ये लॉन्च हुआ था। रियलमी 6 जो है वो 16,000-17,000 फ़ोन ये लॉन्च हुआ था। सो गाइस, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, सो दोनों को ऑन कर लेते हैं पहले। सो ऑनर प्ले ने जैसे पहले रिस्पॉन्ड किया एंड रियलमी से, सो रियलमी को देखते हैं कि ऑन कौन सा जल्दी होता है। सो पिछली बार तो रियलमी जीत गया था उन्होंने में, आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा जाकर देख सकते हैं एंड दोनों की ब्रांडिंग आ चुकी है ऑनर एंड रियलमी की दोनों की। सो ऑनर प्ले यहाँ पर जीत चुका है, साफ साफ रिजल्ट है शटिंग ऑन में। सो बूट में तो रियलमी 6 पीछे रह गया है ऑनर प्ले से। सो दोनों का पासवर्ड एक्सेस करते हैं एंड ऑन कर लेते हैं इन दोनों को। सो इनको फिर से एक बार और रीस्टार्ट करके देखते हैं। सो एक बार रीस्टार्ट हो जाए, सो यहाँ पर मैंने एक साथ दोनों को रीस्टार्ट कर दिया, 1, 2, 3। सो दोनों को एक साथ रीस्टार्ट किया एंड यहाँ पर देखते हैं कि रीस्टार्ट दोनों जल्दी क्या, मतलब रिबूट कौन से जल्दी हो जाता है। सो यहाँ पर रिस्पॉन्ड कुछ नहीं किया, अब किया है रियलमी ने ऑनर प्ले से बहुत देर बाद एंड आप रिजल्ट देख सकते हैं गाइज एंड जज कर सकते हैं आप गाइज, ऐसी कोई दिक्कत बात नहीं है, रिजल्ट आपके सामने है सारा एंड ऑनर प्ले की पहले ब्रांडिंग आ चुकी है, ऑनर प्ले लिखा हुआ आ चुका है एंड रियलमी अब लिखा हुआ है ऑनर प्ले फिर से विनर सेटिंग ऑन में बूट में ऑनर प्ले। सो ये पीछे है अभी रिजल्ट बिल्कुल आपके सामने। सो दोनों का पासवर्ड डाल के एक्सेस कर लेते हैं। सो यहाँ पर रियलमी का डाल दिया मैंने, सो यहाँ पर एक्सेस कर देते हैं। सो यहाँ पर फिर ऑफलाइन मोड में दोनों एंड एप्लीकेशन थोड़े बहुत ओपन करके देखते हैं
आप देख सकते हो ऑफलाइन मोड में है दोनों, सो कनेक्टेड नहीं है वाईफाई वगैरह इंटरनेट वगैरह से। रिसेंट में भी कुछ नहीं आप देख सकते हैं गाइज। एंड यहाँ पर एक बार यूट्यूब 7-3 सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफलाइन मोड में रियलमी 7 रियलमी 6 आगे रहा है अभी, फिर से एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सो ऑनर प्ले इस बार आगे एंड मशीन को कुछ पता नहीं रहता गाइज, कभी कुछ भी हो सकता है। सो एक बार और टेस्ट कर लेते हैं, 3 times चेक करते हैं, 1, 2, 3। सो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज हल्का फुल्का डिफरेंस था, लेकिन ऑनर प्ले ने जल्दी ओपन कर दिया यूट्यूब। एंड गाइज अब प्ले स्टोर ओपन करके देख लेते हैं। सो 1, 2, 3। सो यहाँ पर दोनों सेम से थे, लेकिन फिर से एक बार टेस्ट करके देख लिया, क्योंकि एक दो बार एप्लीकेशन खोलते नहीं तो पता नहीं लगता। 1, 2, 3। सो यहाँ पर ओनर प्ले, पिछली बार तो दोनों का सेम था, लेकिन अब ओनर प्ले ने प्ले स्टोर ओपन जल्दी कर दिया। एंड फिर से ओपन कर लेके देख लेते हैं गाइज, पर दिक्कत कोई बात नहीं है। 1, 2, 3। सो गाइज यहाँ पर ओनर प्ले हमारा विनर, रिजल्ट आपके सामने, जज कर लेना। मैं नहीं कहना ये विनर है वो विनर, आप खुद ही जज कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर एक दो और टेस्ट करते हुए, सो एक दो एप्लीकेशन खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोल लेते हैं। सो 1, 2, 3 उसको ये खोल दिया मैंने इंस्टाग्राम, एंड दोनों का सेम सही है, मतलब ओनर प्ले में थोड़ा जल्दी ओपन हो गया। फिर से करते हैं एक बार और, एक से दो बार एप्लीकेशन ओपन करके देखते हैं। सो 1, 2, 3 उसको। सो यहाँ पे दोनों का मुझे लगता है सेम आया, लेकिन इंटरफेस मतलब दोनों का सेम सा आया, लेकिन ओनर प्ले थोड़ा सा हल्का फुल्का बिल्कुल स्लाइटली आगे है रियलमी 6 से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप गाइज, एंड यहाँ पर फिर से ओपन करते हुए, एंड गाइज दोनों का मतलब हल्का फुल्का ओनर प्ले रियलमी 6 से आगे, हल्का फुल्का स्लाइटली थोड़ा थोड़ा हुआ। एंड मैंने रिसेंट में से भी हटा दिया गाइज रैम में से भी। सो यहाँ पर फाइल मैनेजर खोलते हैं, दोनों का सेम खुला है। फिर से एक बार और ओपन करके देख लेते हैं गाइज, जिससे कोई शक ना रहे। एंड ये तो मशीन है गाइज, कुछ भी क्या पता, कुछ भी क्या हो सकता है। सो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का एक साथ खुला है, ओपन हुआ है दोनों का एक साथ। सो यहाँ पर फ़ोन का बुक, छोटी मोटी एप्लीकेशन है, डेली यूजेज की एप्लीकेशन है। एंड फिर से ओपन कर लेते हैं, रैम में से हटा दिया मैंने दोनों को। यहाँ पर गाइज देख सकते हैं दोनों का सेम ही है, इंटरफेस दोनों का एक साथ ही आया है बिल्कुल। एंड आप गाइज देख सकते हैं, जज कर सकते हैं दोनों के सब एकदम सेम सिंपल। एंड कैमरे का एक बार टेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर रियलमी 6 थोड़ा सा आगे, स्लाइटली आगे है थोड़ा सा इस वाले में। अब फिर से करते हैं चेकअप। सो यहाँ पर रियलमी 6 थोड़ा सा ही आगे ओनर प्ले से। ये आगे कहाँ भाग रहा है ये। अब यहाँ पर शायद मैंने टैप जल्दी कर देता हूँ ओनर प्ले में। सो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं गाइस, गेमिंग की जांच करते हैं। सो गेम में ओनर प्ले से रियलमी 6 से जल्दी ओपन हो जाता है गेमिंग में, लेकिन जो ग्राफिक है वो दोनों में एक ही सपोर्ट करते हैं। एंड स्मूथनेस भी काफ़ी अच्छी है दोनों में। एंड गाइस आप देख ही सकते हैं, सो रियलमी 6 जल्दी खुल गया था। सो एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं, मैंने फिर से ओपन किया है। सो आप यहाँ पर गाइस देख ही सकते हैं। सो गाइज आप कुछ जज कर लेना। सो रियलमी 6 आगे फिर से ओनर प्ले से, एंड ये पिछली बार भी हुआ था गाइज, एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर लेना। एंड फिर से एक और ओपन, क्योंकि हमने 3 times खोल कर देखी है सारी एप्लीकेशन, तो इसको भी 3 times ओपन करके देखते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या निकल कर आते हैं, फिर से देखते हैं। सो गाइज यहाँ पर गेम के मतलब गेम ओपन करने में रियलमी 6 आगे ओनर प्ले से, जो कि पिछली बार भी था। एंड गाइज चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, एंड लाइक भी कर देना अगर पसंद आए तो, वरना कोई बात ही नहीं है गाइज। एक बार और टेस्ट कर लेते हैं गाइज, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो सकता है मशीनों का तो कुछ नहीं पता गाइज, लेकिन 3-4 times एक बार चेक कर ले तो क्या दिक्कत। सो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट में रियलमी 6, सो यहाँ पर हम एक्सपोर्ट करते हैं दोनों को, सेम क्वालिटी रखी है, 89 MB की है, फुल HD में है। एंड स्किप कर दिया मैंने दोनों को, काइन मास्टर से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पर रेंडिंग में, वीडियो रेंडिंग में एंड एक्सपोर्ट में रियलमी 6 आगे लिख रहा है, और ओनर प्ले पीछे रह चुका है। साइज गाइज साफ साफ रिजल्ट है आपके सामने। एंड गाइज पिछली वीडियो को भी मैंने कंपेयर, एक बार फिर से इसको कर लेते हैं एक्सपोर्ट। एंड 1, 2, 3 सो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं आप कौन सा जल्दी होता है, देखते हैं।
सो अगर मैंने रियलमी 7 से भी कंपैरिजन किया वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड आई पैड में लिंक आ रहा होगा। सो यहाँ पर देख लो गाइज, ये रिजल्ट हैं आपके सामने। सो गाइज आपको कंपैरिजन कैसा लगा है आपको मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। गेमिंग के टेस्ट में अगर मैं बात करूँ सो गेमिंग के टेस्ट में सिर्फ रियलमी 6 जो है उसने थोड़ा सा, मतलब कि जो मैंने गेम चलाया तो वो थोड़ा जल्दी मतलब ओपन हो गया है ओनर प्ले से, लेकिन जो ग्राफिक सपोर्ट करते हैं वो दोनों में सेम सपोर्ट करते हैं एंड स्मूथनेस भी दोनों में बहुत अच्छी है। सो गेमिंग के मामले में ये एंड आप जज ही कर सकते हो, मैंने सारा कंपैरिजन कर दिया, आप जज कर सकते हो कि कौन सा ओनर, मतलब आपके सामने सारे रिजल्ट हैं, आप जज कर लेना कौन सा विनर है हमारा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को एंड अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे तो हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी मेरी भी एंड वीडियो, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर देना, नए भी हैं सब्सक्राइब भी एंड बेल आइकन जरूर दबा देना। सो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी जरूर दबा देना एंड एनी सजेशन सो कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं ऐसी बढ़िया वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।